सोचिए एक एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल देंगे ऑटोनोम लोग को लिए, जो कि हम लोग समझ सकते हैं। समझिए एक सिलाई जो करता है, सिलाई सेंटर वाले, सिलाई शॉप वाले, ओके, मान के चलिए दिन भर में वो 12 घंटा में पूरा पूरा 12 घंटा में वो दो सूट सिलाई करता है, दो सलवार सूट सिलाई करता है। एक सलवार सूट से उनका इनकम बनता है 400 रुपया, तो दो सलवार सूट सिला के कितना बना? 800 रुपया। अगर एक दिन में 800 रुपया बना तो 30 दिन में कितना बनेगा? 24,000, बराबर ना। अगर उनको और ज्यादा इनकम करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? ओवर टाइम करना पड़ेगा। ओवर टाइम कितना करेगा? 16 घंटा कर सकता है, कर सकता है, थोड़ा बहुत कभी कभी कर सकता है, 24 घंटा कर सकता है, नहीं कर सकता है, तब उसको क्या करना पड़ेगा? अपना शॉप में उनको हो सकता है क्या बनाना पड़ेगा? मशीन। अगर वो अपना शॉप में 10 मशीन लगा दिया और 10 स्टाफ लगा दिया, अब क्या होगा? अब उनका ज्यादा काम होगा कि नहीं? अभी 2 करके 10 स्टाफ अगर आपका सूट सिलाई करता है तो कितना हो जाएगा? 10 × 2, मतलब एक आदमी से 800 रुपया आ रहा है, तो 10 आदमी से कितना आ रहा है? 8,000 आ रहा है, बाकी मेरा 800 पर डे का। आप कैलकुलेशन कीजिए मेरा मंथ में कितना आ रहा है। माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब ये है, अगर आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं, इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो इनकम के पीछे मत भागिए। आपका टाइम कैसे बढ़ेगा? टाइम बढ़ाने के लिए भागिए। जिसका जितना ज्यादा टाइम जाएगा मेहनत पे, आपका इनकम उतना ही ज्यादा आएगा। समझ पाए? मतलब टाइम बढ़ाना है, अगर टाइम बढ़ा सकते हो तो आपका इनकम बढ़ेगा। यहाँ पे टाइम बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो मैं सभी को वेलकम करता हूँ। आज से सिस्टम से शुरू कीजिए। आने वाला 1 साल के अंदर में आप सभी का हो सकता है 24 घंटा होगा, लेकिन 1 साल के अंदर में कम से कम भी होगा 3,000-4,000 घंटा आपका पास होगा पर डे का। 30 दिन में कितना होगा? फिर कैलकुलेशन कीजिए आप, क्या 30 दिन में कितना घंटा हुआ, फिर कितना ज्यादा इनकम हुआ। टाइम बढ़ाना चाहते हैं।